तहरीर को आगे लेते हुए चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब लॉर्ड मेयर लीड्स को मैं दावा देना चाहूँगा कि वो आके अपने ख्याल का इजहार करें और वक्त की किल्लत की वजह से हम लोग टाइम को देखते रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी और डॉक्टर साहब शहीद महमूद हसन के करीबी रिश्तेदार दोस्त सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए कहने को बहुत है, लेकिन क्योंकि बाकी भी स्पीकर्स हैं और मैं यूके से 3 हफ़्ते के लिए आया हूँ और सबसे पहले मैंने इनकी फैमिली से मिलने के लिए आया था इज़्ज़त के लिए कि मेरे उनसे एक ही रिश्ता था दोस्ती का, और बड़े मुखलस इंसान थे। ये जो शेर पढ़े हैं कि ज़माना सारा रोएगा, मेरी चूँकि ज़िंदगी यूके में गुजरी है, यहाँ बचपन से गया था, माज़रत चाहता हूँ अगर आपके तलफ़ुज़ात मेरे मुकम्मल ना हुए, सही ना हुए, दुरुस्त हुए। लेकिन ये एक सादी सी बात है, दो बातों पर मैं अपनी बात समेटूंगा कि कुछ लोग जब महफिल में आए, ज़िंदगी में अच्छे बुरे इंसान हैं तो बंदा सोचता है यार जाएगा तो बंदे खुश होते हैं, कमरा खाली हुआ तो इंसान खुश होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बंदा चाहता है कि कमरे में बैठे रहें और मीठी मीठी बातें चलती रहें और वो वक्त ख़त्म ना हो। इसी तरह डॉक्टर साहब वो हैं जिनकी कमी हमेशा के लिए हमें हमारी कमी पूरी नहीं होगी। एक ज़िंदा दिल इंसान, बेलोस, एक अच्छे बाप, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे भाई थे। अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। मैं अपने अजीज फातेह और कामिल का मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और इज्जत बख्शी। इनके लिए बस एक शेर, क्योंकि शेर का आगाज़ हुआ है तो शेर यह है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हक तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वमा अलैना इल्ला बलाग।